अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं किंग न्यूज HD और मैं हूं सलमान चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। परवेज लाजी वजीर आला पंजाब बरकरार, पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। चौधरी परवेज लाही पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने 186 वोट हासिल किए। वजीर आला पंजाब के अहदे पर बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल परवेज लाही पर एतमाद के वोट पर राय शुमारी के लिए पंजाब असम्बली में रातों रात कार्रवाई शुरू की। बकली पर जलानी हाउस के करीब पुलिस एहलकार की गोलियों से छलनी लाश, उसकी शनाख्त सिपाही अमजद गांधरू के नाम से हुई है। इत्तला मिलने पर SSP टट्टू अदील चांडियों ने मौका पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल टट्टू मुंतकिल किया। पुलिस एहलकार अमजद गांधरू जलानी हाउस मकली में ड्यूटी पर था कि उसकी गोलियों से छलनी लाश देखी। शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीर गुलाम रहमानी और दीगर भी मौका पर पहुंच गए। पोस्टमार्टम और इब्तदाई तहकीकात के बाद वाकये की वजह मालूम होगी। SSP ठट्टू अदील चांडियो। पंचराबाद में घी नायाब, यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्लैक में फरोख्त होने लगा, शहरी शदीद परेशान। पंचराबाद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी का वसूल नामुमकिन बन गया, शहरी रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी ब्लैक में फरोख्त होने लगा। बेकरी और समोसे पकौड़े वाली दुकानों के लिए फरोख्त होने लगा, शहरियों का शिकवा। स्टोर कीपर की मिली भगत से आटा घी चीनी दुकानदारों को फरोख्त होते हैं, शहरियों का इल्ज़ाम। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर नईम अजीज सिंधु का रात गए थाना सिटी कबीरवाला का अचानक दौरा। ASP सर्किल कबीरवाला साद अफरीदी पी हमरा, DPO ने थाने की सफाई सुथराई बिल्डिंग हवालात मुलाजमीन बैरक्स SHO रूम और मुहर्रम ऑफिस का तफसीली जायजा लिया। DPO ने फ्रंट डेस्क समेत FIR रजिस्टर और रिकॉर्ड के अंदराज और तकमील का भी जायजा लिया। DPO के रिकॉर्ड की तकमील और अच्छी मैनेजमेंट पर SHO और मुहर्रम थाना को तारीफी सर्टिफिकेट देने के अहकाम, जेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यकसू करके चलान अदालत भिजवाने की हिदायत। मजलूम की दादरसी हमारी अव्वलिन तरजीह है। इख्तियारात से तजावज और करप्शन की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO नईम अजीज सिंधु। बहावलपुर में मोहम्मद सलार खान दौलत जई एडवोकेट को वाइस चेयरमैन, वजीर अला शिकायत सेल डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या मोहम्मद जावेद खान दौलत जई साबक चेयरमैन वजीर अला शिकायत सेल की वफात के बाद उनके बेटे मोहम्मद सलार खान दौलत जई को वाइस चेयरमैन वजीर अला शिकायत सेल डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर मुकर्रर कर दिया गया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर मोहम्मद सलार खान ने कहा कि मैं साबिक वज़ीर खुराक MPA जनाब समीउल्लाह चौधरी का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये भी यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि मैं अपने वालिद के अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखते हुए हमेशा गरीब और बेसहारा अफराद की मदद करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए किंग न्यूज़ HD।